केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। डीएलसी अभियान 3.0 भारत के 800 शहरों और कस्बों में 1 से 30 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, ईपीएफओ या स्वायत्त निकायों के सभी पेंशन भोगी पेंशन वितरण बैंकों अथवा आईपीबीपी में अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सुपर सीनियर पेंशन भोगी इसे अपने घर से कर सकते हैं और उन्हें सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान की जाती है। लंबी आयु अवस्था तक जीवित रहते हैं, 90 वर्ष तक, 95 वर्ष तक, 100 वर्ष तक और लगभग 75-80 वर्ष के बाद हाथ की रेखाओं में भी परिवर्तन आने लग जाता है, तो कई बार वो बायोमेट्री और फिंगरप्रिंट्स उस प्रकार से विश्वसनीय नहीं रहते। तो इसके लिए क्या सरल विकल्प हो, तो मुझे ये कहने में संतोष भी है और गर्व भी कि शायद ये पहला विभाग था भारत सरकार में जिसने आधुनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और सदुपयोग किया। एक ऐप डेवलप कर दिया गया इस मोबाइल में और हमारे सीनियर सिटीजन को मात्र कैमरे में देखना रहता है अपने मोबाइल के और 30-40 सेकंड के भीतर आधार के माध्यम से उसकी तस्दीक की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है और 1 मिनट से पहले पहले ही 60-70-40-50 सेकंड के भीतर उनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंकर के पास उपलब्ध कर दिया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सीजीटीए, आईपीबीपी, यूआईडीए सहित सभी पेंशन वितरण बैंक देशव्यापी आधार पर डीएलसी अभियान को लागू करने के लिए एक साथ आएंगे।